अब इस प्लेट पर हमने फोटोन डाल दिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू थी, बराबर है। अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले की के है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, और इसका वर्क फंक्शन हमारे पास ई नॉट है। दिस इज द केस फर्स्ट। अब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल किया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू था, अब मैंने फ्रीक्वेंसी 2 न्यू कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले की के डैश है, बराबर है। तो ऑब्वियसली जो है, अगर के डैश है तो पहले से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, के डैश की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो सेम तो नहीं रहेगी। डी ऑप्शन तो किसी कंडीशन में सही नहीं हो सकता। तो कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाते हैं, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। जो भी एनर्जी पड़ती है आइंस्टाइन की फ्लो, वो दो पार्ट में यूज हो जाती है ये वाली चीज़। तो एनर्जी इंसिडेंट पहले केस में एच न्यू है, प्लस वर्क फंक्शन ई नॉट है, और काइनेटिक एनर्जी के है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे केस में एनर्जी 2 h न्यू हुई, काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के डैश जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब देख रहे हो सोल्यूशन में ई नॉट इसमें 1 में है और 3 में नहीं है, तो हम ई नॉट के टर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ई नॉट निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो 2 h न्यू, और यहाँ से ई नॉट की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू एच न्यू माइनस के प्लस के डैश। तो के डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल केस, दैट इज ए ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो,